दोस्तों मैं विपिन दुबे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं डिजिटल राशन कार्ड के बारे में। तो दोस्तों जैसे जैसे जमाना डिजिटल होते जा रहा है वैसे वैसे गवर्नमेंट भी सारे डॉक्यूमेंट को डिजिटल में कन्वर्ट कर रही है। तो ऐसे में दोस्तों हमें जो है हमारा राशन कार्ड जो है वो भी डिजिटल हो चुका है। दोस्तों अभी स्मार्ट कार्ड बनना बाकी है पर कई कई राज्यों में दोस्तों स्मार्ट कार्ड भी बनकर मिलना चालू हो गए हैं। तो दोस्तों आप जिस भी राज्य से हैं अगर आपको स्मार्ट कार्ड अभी नहीं मिला है या अभी बन के नहीं मिल पाया है तो आप दोस्तों आप स्मार्ट कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप डिजिटल आधार डाउनलोड करके आप अपने गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑफिस पे दोस्तों देकर अपना काम चलाते हैं ठीक उसी प्रकार दोस्तों ये डिजिटल राशन कार्ड भी आप हर जगह दे सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हो चाहे प्राइवेट ऑफिस हो या किसी गवर्नमेंट एप्लीकेशन में भी आपको जो है इसे लगा के आप उसे अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप डिजिटल जो है राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सेम प्रोसेस दोस्तों आप अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप के जरिए भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अपने मोबाइल फोन पे या जो है लैपटॉप के जरिए गूगल पे डिजी लॉकर टाइप करना है। जो भी दोस्तों डिजी लॉकर यहाँ पे आप टाइप करेंगे तो दोस्तों आपको सबसे पहला वाला ऑप्शन जो है दोस्तों डिजी लॉकर का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बात करूं डिजी लॉकर यहाँ पे आपको करेक्ट लिखना है। डिजी लॉकर पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट डिजी लॉकर की कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको दिखाई देगी। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं जिसके पास अकाउंट होगा वो दोस्तों साइन इन पे क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट ऐड कर सकता है। और दोस्तों हमें अकाउंट बनाना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे साइनअप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें कुछ बेसिक डिटेल्स हमें डालकर हमें दोस्तों अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। जैसे हमें अपना नाम जो है करेक्ट एज पर डॉक्यूमेंट और हमारा डेट ऑफ बर्थ एज पर डॉक्यूमेंट, हमारा जो भी जेंडर है दोस्तों वो हमें सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों हमने अपना मोबाइल नंबर नाम डेटा मैं अपना फिल कर रहा हूं ठीक। दोस्तों आप अपने तरीके से जो भी आपका वैलिड डॉक्यूमेंट होगा उसके हिसाब से डेटा के हिसाब से आप दोस्तों अपना डिटेल फिल करें। यहां पे दोस्तों एक वैलिड मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और आपको एक वैलिड ईमेल आईडी डालना पड़ेगा ताकि उस पे फ्यूचर में दोस्तों आगे चलकर अभी जो है दोस्तों उस पे ईमेल आईडी एक आएगा, ईमेल आईडी पे दोस्तों हमें एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी हमें दोस्तों इसमें डालना पड़ेगा। दोस्तों अब यहां पे आपको 6 डिजिट का पिन सेट करना है। जो भी आपका पिन होगा दोस्तों आप अपने हिसाब से 6 डिजिट का पिन यहां पे आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे पिन डालने के बाद हमें सबमिट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमने जो मोबाइल नंबर अभी डाला था दोस्तों उस मोबाइल नंबर पे दोस्तों हमें एक ओटीपी आएगा, आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों ओटीपी हमें यहां पे डालना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरे मोबाइल में जो भी ओटीपी है दोस्तों मैं अभी यहां पे डाल रहा हूं, कुछ नेटवर्क इश्यू होने की वजह से दोस्तों ओटीपी थोड़ा लेट आ रहा है। तो दोस्तों जैसे ही ओटीपी आप डालेंगे दोस्तों तो आपको वेबसाइट रीओपन होकर यहां पे आपको साइनअप पे आना है। साइनअप पे आने के बाद दोस्तों हमने जो अभी मोबाइल नंबर डाल के दोस्तों अकाउंट हमने क्रिएट किया उस मोबाइल नंबर को हम दोस्तों यहां पे आप डाल सकते हैं। यहां पे दोस्तों मोबाइल नंबर सेम मोबाइल नंबर से जो हमने अभी अकाउंट बनाया वो मोबाइल नंबर हम यहां पे डालेंगे। दोस्तों आपके पास जो भी मोबाइल नंबर से आपने बनाया होगा उसी मोबाइल नंबर से डाल के जो हमने दोस्तों अभी 6 डिजिट का पिन डालना है वो 6 डिजिट का पिन डालकर दोस्तों साइनअप पे हमें क्लिक करना है। यहां पे दोस्तों आपको एक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, दोस्तों आपको मोबाइल पे ओटीपी यहां पे डालकर दोस्तों सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही दोस्तों सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको देखो यहां पे डिजिटल डैशबोर्ड जो है दोस्तों डिजी लॉकर का दोस्तों यहां पे ओपन होकर मिल जाएगा लॉगिन होकर दोस्तों। और यहां ऊपर दोस्तों वेलकम आपका नाम जो भी होगा दोस्तों यहां पे आपको शो करेगा। तो जैसे मेरा नाम विपिन दुबे है यहां पे आपको सामने दिख रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं दोस्तों यहां पे ऑलरेडी आधार से लिंक्ड जो भी आपका कुछ थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट दोस्तों यहां पे ऑलरेडी आपको दिखाई देता होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं जो भी डॉक्यूमेंट जैसा आपका नहीं है तो आप यहां पे एक बार लिंक कर सकते हैं। अभी हमें दोस्तों हमारा राशन कार्ड हमें यहां पे पोर्टल पे लिंक करना है और हमें डाउनलोड करना है। तो यहां पे दोस्तों सबसे पहले हमें अपना स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम जिस भी राज्य से हैं दोस्तों उसी राज्य का डेटा हमें जो है दोस्तों डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। यहां पे हमें दोस्तों अपना सबसे पहले राज्य सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो आप दोस्तों यहां पे इंडिया के सब राज्य आपको यहां पे दोस्तों मिल जाएंगे, जो भी स्टेट से आप चाहे उत्तर प्रदेश से हो चाहे बिहार से हो चाहे पंजाब से हो चाहे आसाम से हो,
चाहे दोस्तों आप महाराष्ट्र से हो तो सारे जगह के सारे राष्ट्र के दोस्तों आपको यहां पे डेटा फेच करके एक ही पोर्टल पे आपको मिल जाएगा। तो यहां पे दोस्तों जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूं दोस्तों, तो आपको उत्तर प्रदेश यहां पे टाइप करना है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो दोस्तों आप जिस भी राज्य से, आप अपना यहां राज्य का नाम लिख सकते हैं। दोस्तों याद रहे कैपिटल में आपको नहीं टाइप करना है, जैसे मैंने अभी कैपिटल में टाइप किया था तो मुझे नहीं मिला। यहां पे दोस्तों स्मॉल में आपको टाइप करेंगे तो आपका राज्य का नाम मिल जाएगा। दोस्तों मैंने अपना स्टेट सेलेक्ट कर लिया है। यहां पे दोस्तों अभी पूछ रहा है कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट आपको गवर्नमेंट के पोर्टल से फैच करना है। तो यहां पे दोस्तों हमें अपना राशन कार्ड हमें फैच करना है। यहां पे आपको दोस्तों डेट ऑफ बर्थ, आपको बहुत सारे दोस्तों यहां पे आपको डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हमें राशन कार्ड यहां पे हमें आ रहा, राशन कार्ड हमें हमें दोस्तों डाउनलोड करना है। तो हमें यहां पे आपको राशन कार्ड सही तरीके से लिखना है दोस्तों, राशन कार्ड RATION दोस्तों यहां पे आपको टाइप करेंगे RATION। तो दोस्तों राशन कार्ड जैसे आप लिखेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं ये दोस्तों राशन कार्ड यहां पे दिखाई दे रहा है। सेम दोस्तों राशन कार्ड जैसे या राशन सेलेक्ट करेंगे तो यहां पे दोस्तों आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और दोस्तों यहां पे हमें जो दोस्तों राशन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, क्योंकि हाल ही में दोस्तों पहले अभी सब पेपर वर्क था दोस्तों वो सब बंद करके डिजिटल राशन कार्ड वाला जो है दोस्तों हर स्टेट हर राज्य में चालू हो गया है। दोस्तों आपको एक राशन कार्ड नंबर मिला होगा, डिजिटल राशन कार्ड जो भी 17-18 नंबर का होता है, वो यहाँ पे आपको दोस्तों राशन कार्ड नंबर डालना है। दोस्तों मेरे पास जो राशन कार्ड नंबर है वो राशन कार्ड मैंने डाल दिया। और यहाँ पे दोस्तों हमें अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। दोस्तों अभी राज्य सेलेक्ट किया था, अभी यहाँ पे हमें दोस्तों डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे दोस्तों गवर्नमेंट के पोर्टल से दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपका डेटा फैच हो रहा है। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो राशन कार्ड है दोस्तों यहाँ पे एड हो चुका है। तो दोस्तों देख सकते हैं आपको लाइव मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पे मेरा राशन कार्ड दोस्तों ऐड हो चुका है। और जैसे इस पे हम क्लिक किया दोस्तों, तो ये दोस्तों यहाँ पे मेरा राशन कार्ड व्यू करने का ऑप्शन हमें सामने दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहां से हमें अभी डाउनलोड करना है डेटा, हमें हमारा राशन कार्ड डाउनलोड करना है। यहाँ पे दोस्तों पीडीएफ हमें सेलेक्ट करना है। पीडीएफ पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आप देख रह सकते हैं यहाँ पे हमारा राशन कार्ड डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों आप यह राशन डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू कर सकते हैं। दोस्तों आप जो है ये राशन कार्ड आप अपने गवर्नमेंट ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस या जहां भी दोस्तों राशन कार्ड का काम लगे ये आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपने दोस्तों को अपने फैमिली में जरूर वीडियो शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप उन तक मिल सके।